Hello. Chapter number 6, Geography of Water Resources. Let's begin with the chapter. First paragraph, 6th, 7th line या maybe 10th line के आसपास आपको मिलेगा कि इस धरती पे approximately 71% water है, बस केवल 3% जो है fresh water है. Fresh water में भी पीने के लिए जो available है वो बहुत थोड़ा percentage है. इसी वजह से इस धरती पे tension create हो रही है, dispute create हो रहे हैं regarding the sharing of water between the states and between the countries. एंड इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम पानी का प्रॉपर असेसमेंट करें, उसका कंजर्वेशन करें और लोगों के लिए अवेलेबल कराएं. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएगा. इस पैराग्राफ से कुछ इतना खास नहीं था. वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पे आ जाइएगा. इसकी फर्स्ट 7-8 लाइंस. इंडिया के अंदर इंडिया अकाउंट्स फॉर टोटल 2.45% ऑफ द वर्ल्ड सर्फेस एरिया. इस पूरी दुनिया का अगर मेन लैंड काउंट किया जाए, लैंड एरिया काउंट किया जाए, तो हिंदुस्तान के पास 2.45% ऑफ लैंड है. इस पूरी दुनिया का वाटर अगर देखा जाए तो इस पूरी दुनिया का 4% ऑफ वाटर हिंदुस्तान में है. पर आबादी की बात करी जाए तो पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया की आबादी का 16% पॉपुलेशन हिंदुस्तान में है. ठीक है, तो दुनिया का जो लैंड सरफेस है वो इतना मिला, पानी इतना मिला, पर आबादी का जो बर्डन है वो इतना मिला. ठीक है, तो इसलिए इंडिया में वाटर जो है पर पर्सन के लिए कम पड़ जाता है. एंड हमारे देश का अगर पूरा पानी जोड़ा जाए तो इंडिया के अंदर 4000 क्यूबिक किलोमीटर वाटर है, वन मार्कर में आ जाएगा. ठीक है, वाटर दो तरीके के होते हैं आपके. वाटर अवेलेबिलिटी दो तरीके से है, एक तो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, एक सरफेस वाटर की फॉर्म में है. सरफेस वाटर जो आपको ऊपर ऊपर लेक्स में, पॉन्ड्स में, ओशंस में ये सब मिल जाता है, ये सर्वर्स में मिल जाता है, ये आपका सर्फेस वाटर है. एंड ग्राउंड वाटर जो धरती के अंदर होता है, जो आप बोरिंग वेल्स इनके थ्रू करते हो. तो आपका सरफेस वाटर में फर्स्ट लाइन आपकी वन मार्कर है. 4 मेजर सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर हैं आपके, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड टैंक्स. सबसे ज़्यादा आपके ये हैं. इसके बाद आपको कुछ ऐसा खास नहीं पढ़ना है, इसके अंदर छोड़ सकते हो. फिर आप ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे आ जाओ. टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर जो है हिंदुस्तान में 432 क्यूबिक किलोमीटर है. वन मार्कर में याद करना तो कर लेना, आज तक आया नहीं है. नेक्स्ट पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है. ग्राउंड वाटर को यूज़ करने वाली 4 टॉप की जो स्टेट्स हैं वो हैं पंजाब, मोटर चला दी बह रहा है नदियों में उसका खेतों में पानी, हरियाणा, राजस्थान, और साउथ इंडियन स्टेट में जो सबसे ऊपर है ग्राउंड वाटर यूज़ में वो है तमिलनाडु. वन मार्कर क्वेश्चन है, आ जाएगा. हाउएवर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरला जो स्टेट्स हैं ये बहुत कम ग्राउंड वाटर यूज़ करती हैं, और गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र ये ओके ओके काइंड ऑफ मॉडरेट आपका ग्राउंड वाटर यूज़ करती है. अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर का सप्लाई बहुत कम हो जाएगा और हाई तौबा मच जाएगी, सारी स्टेट्स की, सारे लोगों की बहुत झगड़ा हो जाएगा. पेज 61 पे ही आपका ये एक टेबल बना होगा. इस टेबल को समझो. इसकी जो जो ये सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेकेंड लाइन को इधर और ये वाली लाइन को इधर शिफ्ट कर दो, सेकेंड लाइन को. तो अगर आपकी पहली लाइन में लिखा है नेम ऑफ द बेसिन और उसके नीचे लिखा है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, तो नेम ऑफ द बेसिन के नीचे जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को हटाओ और यहाँ पे ले आओ सेकेंड वाले बॉक्स पे, तो आपकी एक्चुअल लाइन बन जाएगी टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. सिमिलरली टोटल रिप्लेनिशेबल के नीचे यूटिलाइजेशन परसेंट लिखा है, इसको यहाँ से कट करो, यहाँ ले आओ, तो आपकी लाइन बन जाएगी लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन परसेंट. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, हर साल की बुक में आ रहा है. आपको जब ये पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो डाउट हो जाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसलिए ऐसे ही लिखना है इसको. तो अगर आप इस बेसिस पे देखें तो कुछ क्वेश्चंस पीछे दिए हुए हैं पेज नंबर 63 पे. आपको यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. इन क्वेश्चंस का आंसर आपको ये पहले वाले टेबल से देना है. जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, कौन से बेसिन के अंदर, रिवर बेसिन के अंदर सबसे ज़्यादा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर है. ये वन मार्कर का क्वेश्चन है, इसका आंसर है गंगा. अगला क्वेश्चन है, कौन से रिवर बेसिन के अंदर लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा कौन सी नदी का पानी यूज़ हो रहा है, उसके अंदर आपका आंसर है इंडस. इंडस से ऊपर भी कोई है? नहीं, इंडस का पानी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इंडस है या कृष्णा है, लेट मी सी. इंडस का पानी सबसे ज़्यादा यूज़, नहीं, इट्स, मैं ही कन्फ्यूज़ हो गई. इंडस का पानी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है. उसके बाद विच रिवर बेसिन हैज़ अ टोटल लोएस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर, कौन सी नदी में सबसे कम
ग्राउंड वाटर रिप्लेनिशेबल मिलेगा। इसका आंसर है सुवर्ण रेखा, अगर आप देखें तो। अगला है आपका, इन विच रिवर बेसिन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन इज द लोएस्ट। यूटिलाइज आप कौन से रिवर का पानी सबसे कम कर रहे हो, देन इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। पानी बहुत है पर हम यूज उसको कम कर रहे हैं, एंड इसी को आगे रिप्रेजेंट करना, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको नहीं आएगा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज लगून एंड बैक वाटर्स। लगून एंड बैक वाटर्स, इंडिया हैज अ वास्ट कोस्ट लाइन एंड द कोस्ट इज वेरी इंडेंटेड इन सम स्टेट्स ड्यू टू दिस अ नंबर ऑफ लगून्स एंड लेक्स हैव फॉर्म्ड। तो इंडिया की काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन है, हमारा जो जितना भी डेक्कन पार्ट पड़ता है, सदर्न पार्ट पड़ता है, वो सारा का सारा जो है आपका कोस्ट लाइन है, ओशन से लगता है, इसलिए हमारे यहाँ पे लगून्स एंड बैक वाटर होते हैं। समुद्र से मिलने से पहले जो नदी का पानी होता है वो मिक्सिंग हो रही होती है, तो उससे खारा पानी जो है इंडिया के अंदर भी एंटर करता है। तो स्टेट लाइक उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, वन मार्कर में याद रखना, यहाँ पे आपको लगून्स एंड बैक वाटर काफ़ी मिल जाएंगे। दो यहाँ का पानी बड़ा ब्रैकिश होता है, खारा होता है, पर ये बहुत अच्छा होता है फिशिंग के लिए, चावल उगाने के लिए और नारियल उगाने के लिए, वन मार्क में याद रखना। फिर वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन, इसके लिए ये जो नीचे दो पाई चार्ट्स बने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में कई बार आए हैं, 3 मार्क्स कैरी करते हैं, ठीक है। तो आप दोनों देखेंगे, पहला बॉक्स जो है, पहला पाई चार्ट सरफेस वाटर का यूटिलाइजेशन दिखा रहा है, दूसरा जो आपका बॉक्स है वो ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन दिखा रहा है। अगर आप फर्स्ट बॉक्स और सेकेंड बॉक्स दोनों को देखें तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो पानी का यूटिलाइजेशन है, चाहे वो सरफेस हो चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, वो खेती बाड़ी के लिए यूज़ होता है, एग्रीकल्चर के लिए। तो हमारा मेजॉरिटी ऑफ वाटर एग्रीकल्चर इरिगेशन पर्पसेस के लिए निकल जाता है। उसके बाद जो सरफेस वाटर है, ऊपर मिलने वाला पानी है, ऊपर ऊपर की सतह पे, वो डोमेस्टिक पर्पस पे सेकंड नंबर पे यूज़ होता है और इंडस्ट्रियल पर्पस पे थर्ड नंबर पे यूज़ होता है। वेयर एज ग्राउंड वाटर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए सेकंड नंबर पे यूज़ होता है और डोमेस्टिक के लिए थर्ड पे यूज़ होता है। तो ये इंटरचेंज कर जाती है सेकंड एंड थर्ड पोजिशन, ठीक है। तो हमारा मेजर जो है एग्रीकल्चर पर जाता है, तो इसका आंसर आप वाटर डिमांड एंड यूटिलाइजेशन के सेकंड पैराग्राफ से लिखेंगे कि एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, 89% ऑफ सर्फेस एंड 92% ऑफ ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन। और उसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर का 2% जो है वो सर्फेस वाटर से आता है और 5% जो है आपका ग्राउंड वाटर से आता है। और आपका जो घर का डोमेस्टिक पर्पस का है वो 9% सर्फेस से आता है और 3% ग्राउंड वाटर से आता है। डिमांड फॉर वाटर फॉर इरीगेशन, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है कि आज भी हमारे यहाँ पर ये इरीगेशन पर्पसेस के लिए पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों नहीं हम इतने सफिशिएंट है थ्रू रेनफॉल, दो इंडिया में बहुत रेनफॉल होती है फिर भी हमें जो है नदियों का पानी सारा यहाँ पे डाइवर्ट क्यों करना पड़ रहा है, या हमें जो है ग्राउंड वाटर का पानी सारा इरिगेशन के लिए क्यों डाइवर्ट करना पड़ रहा है। इंडिया इज़ एन एग्रेरियन इकोनॉमी, सबसे पहले याद रखना कि हिंदुस्तान की मेन कमाई का जरिया आज भी एग्रीकल्चर है। इरीगेशन जो है वो इसलिए यूज़ होता है बिकॉज यहाँ पर स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी है, स्पेशियो मतलब स्पेस वाइज, किसी जगह पर बहुत बारिश हो रही है और किसी जगह पर सूखा पड़ रहा है, टेम्पोरल की किसी महीने में बहुत बारिश हो रही है और कई महीनों में बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, इसमें बहुत वेरिएशन है, इसलिए हमें जो है इरिगेशन पर्पसेस की रिक्वायरमेंट होती है। हिंदुस्तान का काफ़ी सारा इस हिस्सा ऐसा है जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, जिसमें हमारा नॉर्थ वेस्ट राजस्थान गुजरात वाला एरिया आता है और डेक्कन एरिया आता है, और हमारे जो विंटर्स होती हैं और समर होती हैं सूखी जाती है, कोई खास बारिश नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे विदाउट इरिगेशन आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हो, खेती बाड़ी नहीं कर सकते। और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ पे क्या होता है कि 4 महीने तो भर भर के बारिश होती है तो फ्लडिंग हो जाती है, उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल सूखा रहता है, तो यहाँ पे भी बाकी महीनों के लिए आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इरीगेशन रिक्वायरमेंट होती है, ताकि आप गन्ने, जूट, ये सब चीज़ें उगा सको। देन पेज 65 पे आएंगे, फर्स्ट पैराग्राफ, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये जो है इनका 85% से भी ज़्यादा इलाका खेती बाड़ी में घुसा हुआ है, मनमाकर। इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल उगता है, एंड ये लोग जो है वेल और ट्यूबवेल, ग्राउंड वाटर का जो पानी है ये वेल और ट्यूबवेल द्वारा यूज़ करते हैं। तो आप ये जो है टेबल 6.2 देखेंगे, इसमें आपको स्टेट्स के नाम दिए हैं जो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल मोटर चला चला के पानी को यूज़ करते हैं, ग्राउंड वाटर को, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर, ये जो हम ग्राउंड वाटर को इतना यूज़ कर रहे हैं, इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है। इससे प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा वाटर टेबल नीचे चला गया है, और जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में फ्लोराइड कंसंट्रेशन बढ़ गया, हम मोटर चला रहे तो नीचे का जो फ्लोरीन कंटेंट है वो खिंच खिंच के ऊपर आ गया है,
एंड उसकी वजह से जो है और वेस्ट बंगाल और बिहार में आर्सेनिक कंटेंट बढ़ गया। आर्सेनिक होता है कैंसेरियस मटेरियल, क्योंकि वो फैक्ट्री एरिया पड़ता है तो फैक्ट्री का जितना भी केमिकल है वो सारा पानी में मिक्स हो रहा है, तो आपका जो है एक जगह पे पानी कम पड़ रहा है तो दूसरी जगह पे आपका जो है फ्लोरीन कंटेंट बढ़ रहा है और तीसरी जगह पे आपका कैंसेरियस आर्सेनिक कंटेंट बढ़ रहा है। तो ये तीन प्रॉब्लम है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर की। ठीक है, एमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स आपका वन मार्कर में आ जाएगा कि नई प्रॉब्लम्स पानी को लेके क्या क्या हैं। सबसे पहले डे टू डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम होती जा रही है, पर पर्सन के लिए जो वाटर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वो ड्विंडल होती जा रही है, कम होती जा रही है। और दूसरा प्रॉब्लम, जो पानी है भी उसके अंदर आप पोल्यूशन इतना मिलाते जा रहे हो कि वो भी पीने के लिए अनफिट हो गया, पहली चीज़ थोड़ी और उसको भी और ख़राब करने में लगे हैं। तो ये इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स हैं। अगला टॉपिक आता है डिटोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। यहाँ से आपसे वाटर क्वालिटी की डेफिनेशन सबसे पहले पूछेंगे। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू द प्योरिटी ऑफ वाटर और वाटर विदाउट फॉरेन और अनवांटेड सब्सटेंसेस। अगर आपका पानी का क्वालिटी बढ़िया है, पानी जो है प्योर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रखी, तो उसे गुड क्वालिटी वाटर बोलेंगे। वाटर पोल्यूटेड कैसे होता है? जब इसके अंदर अनवांटेड मटेरियल, माइक्रोऑर्गेनिज्म, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट मिक्स हो जाते हैं, उससे वाटर की क्वालिटी कंटामिनेट हो जाती है, ख़राब हो जाती है और वो इंसान के पीने लायक पानी नहीं रहता है। जब टॉक्सिक सब्सटेंस लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, वाटर बॉडी में मिल जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन भी करते हैं, प्लस आपके जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी लाइफ को भी इफेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स दो हैं हिंदुस्तान की, गंगा रिवर एंड यमुना रिवर। इसके बाद है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 का टॉपिक है पेज 65 पे, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सिंस देयर इज अ डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, वक्त के साथ साथ क्या होता जा रहा है, फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है और उसकी डिमांड, क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो फ्रेश वाटर की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए ज़रूरत आ गई है कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए और हमें उसको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए ताकि आगे आने वाली जनरेशन भी उस पानी का, फ्रेश वाटर का लाभ उठा सकें। गिविंग दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी एंड ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन इज कंसिडर नेगलिजिबल। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक इफेक्टिव पॉलिसीज एंड लॉज। अब हमारे पास, एक लोग कहते हैं कि हमारे पास 70% वाटर है, ये जो ओशंस हैं, ये लेक्स, सॉरी ओशन है, सी है, इसका पानी उबाल के आप यूज़ कर लो, इनमें भी तो समुद्र है, समुद्र में पानी ही तो है। तो एक वाटर जो सैलिनाइज्ड है, जिसके अंदर नमक का क्वांटिटी इतना हाई है, उसको डीसैलिनाइज्ड करने का जो प्रोसेस है, उसमें से नमक को हटाने का जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, वो बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला है। तो कॉस्ट ऑफ डीसैलिनाइजेशन इज़ वेरी हाई, इंडिया इज़ नॉट इन पोजिशन टू डू दैट। तो हमारे पास टेक्निक आ गई है पर हमारी इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम इतना ज़्यादा हाई खर्चा कर पाए, इसलिए ये ज़रूरत आती है कि हमें ये पैसे को बचाना चाहिए, हमें वाटर को बचाना चाहिए बेसिकली, जिससे हमारा ये पैसा भी बच सके। हमें जो है वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए, हमें वाटर पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमें वाटरशेड डेवलपमेंट करनी होगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी, वाटर रिसाइकल करना होगा, रीयूज़ करना होगा एंड हमें जो है वाटर सप्लाई को मेंटेन करके रखना होगा। ये सब इसमें लिखा है वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ये आ जाता है 3 मार्क्स का। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, हमें वाटर क्यों कंजर्व करना चाहिए, तो आप ये आंसर लिखोगे। अगला टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये यहाँ से इतना नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट, इसको रीड कर लेते हैं, इसको बहुत फोकस मत करना। तो अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज जो है वक्त के साथ ख़राब होते जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो मेजर जो नदियाँ हैं उनमें बेटर क्वालिटी मात्रा जो है पानी की वो नहीं रह गई है, और जो है भी उसको जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वाले हैं वो खूब तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं। इन प्लेन्स रिवर वाटर इज़ यूज इंटेंसिवली, हम लोग जो है इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए पानी को बहुत तेज़ी से ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो ड्रेन्स वगैरह हैं, जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र, जो खेतों के अंदर जो एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र डलता है, वो भी पानी के साथ मिक्स हो के नदियों में बहता हुआ मिक्स हो जाता है, जिससे पानी ख़राब हो जाता है और वाटर पोल्यूटेंट हो जाता है। तो अच्छी क्वालिटी का पानी हिंदुस्तान में बहुत कम रह गया है। उस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, CPCB, वन मार्कर में याद रखना, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है नेशनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे बनाया गया स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये लोग क्या करेंगे, वाटर की क्वालिटी को चेक करेंगे, और ऐसे 507 स्टेशन बनाए गए हैं जो यही काम करेंगे।
एंड ये जो स्टेशन हैं ये सारे वाटर कलेक्ट करेंगे एंड ये टेस्टिंग करेंगे कि उस वाटर के अंदर कितना बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है, कितना ऑर्गेनिक कंटेमिनेशन है, वाटर कितना खराब है। तो सबसे ज़्यादा माना गया है कि यमुना नदी का पानी सबसे ज़्यादा गंदा है, अंडरलाइन कर लेना, बिटवीन दिल्ली एंड इटावा। दिल्ली से इटावा की जो बेल्ट है, दिल्ली से यूपी के अंदर आपका इटावा पड़ता है, उसकी जो बेल्ट है उसमें यमुना का पानी बहता है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर बेल्ट है ये। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स हैं वो अहमदाबाद, गोमती एट लखनऊ, काली, अडियर, कुम, बैगई, मूसी, गंगा, ये सारे जो रिवर्स हैं ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर्स आपकी हैं। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन भी होता जा रहा है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक मेटल्स, फ्लोरीन, नाइट्रेट्स मिक्स होते जा रहे हैं। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वाटर जो है लेजिस्लेटिव प्रोविजन सच एज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आया था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था, और उसके बाद काफ़ी मेहनत करी गई है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को हटाया गया है नदियों से, जो नदियों के पास पहले फैक्ट्रियां बनी हुई थी उनको वहाँ से हटा के कहीं और रिलोकेट करवाया गया है। वाटर सेस एक्ट लगाया हुआ है कि अगर आप पानी को यूज़ करें तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना होगा, एंड काफ़ी ज़्यादा अभी ज़रूरत है कि लोगों में अवेयरनेस जगाई जाए ताकि वो वाटर को पल्यूट ना करें। इतना क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है रीसाइकल एंड रीयूज वाटर, कि हाउ कैन यू रीसाइकल एंड रीयूज वाटर। कोई भी 3 पॉइंट्स तो आपको पेपर में आ जाएगा, 3 मार्कर, कि आप पानी को रीसाइकल और रीयूज कैसे कर सकते हो। तो आप पानी को, पानी की अवेलेबिलिटी थ्रू रीसाइकल एंड रीयूज बढ़ा सकते हो। यूज ऑफ वाटर ऑफ लेसर क्वालिटी सच एज रिक्लेम्ड वेस्ट वाटर वुड बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर इंडस्ट्रीज फॉर कूलिंग एंड फायर फाइटिंग टू रिड्यूस देयर वाटर कॉस्ट। जैसे कि आपका पोछे का पानी हो गया, ठीक है, कपड़े धुलने के बाद जो वॉशिंग मशीन से निकला हुआ पानी हो गया, इनको लेसर क्वालिटी ऑफ वाटर बोलते हैं। जैसे बर्तन मांजने के बाद जो धुले हुए बर्तनों में से पानी निकला, वो वाला पानी जो है आप एज अ कूलेंट यूज़ कर सकते हो, फायर फाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो फायर ब्रिगेड्स वगैरह हैं वो इस पानी को यूज़ कर सकती हैं। सिमिलरली अर्बन एरिया में जो नहाने के बाद का पानी होता है, बर्तन धोने के बाद का पानी होता है, उसको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो साबुन वाला पानी जो होता है तो आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो है जो व्हीकल को धोने के लिए पानी यूज़ कर रहे हो, जिसमें बाल्टी में पोछा डाल गया, कपड़ा डाल गया, आप गाड़ी वाड़ी साफ़ करते हो, वो व्हीकल को साफ़ करने के बाद जो गंदा पानी बच जाता है उसको भी आप पौधों में डाल सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपका साफ़ पानी होगा उसका यूजेज कम होगा और वो लोग और प्रैक्टिस में पीने की और दिनचर्या में यूज़ कर पाएंगे। ये समझ में आया, क्लियर है? ये फायर फाइटिंग के लिए यूज करो, नहाने वगैरह का पानी आप गार्डनिंग के लिए यूज करो, और गाड़ी साफ करने का पानी भी आप गार्डनिंग के लिए यूज कर लो। अब अगला टॉपिक, ये बोर्ड्स में आ रहा है, 100% टॉपिक है, हर साल आता है, आपको नहीं चाहिए, वाटर शेड मैनेजमेंट 100% टॉपिक इन योर बोर्ड्स। पहली 5 लाइन है, वाटर शेड मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? इट बेसिकली रेफर्स टू एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। तो वाटर शेड मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि जो आपको सर्फेस या ग्राउंड वाटर जो आपको मिल रहा है, बारिश का पानी मिल रहा है, या फिर आपको सर्फेस वाटर मिल रहा है या ग्राउंड वाटर मिल रहा है, उसको आप इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करो, उसको बहुत सोच समझ के यूज़ करो। इसके अंदर आप पानी को वेस्ट ना होने दो, आप वाटर टैंक्स बनाओ, पानी को स्टोर करो, ठीक है, कोई भी पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। देन इसी पेज के राइट हैंड साइड पे आ गया 4th लाइन में, जिसमें आपकी केंद्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट की सरकार राज्य की सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए। ये भी आपको जो है 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाएगा, और ये कंप्लीट 5 मार्कर क्वेश्चन भी है। तो केंद्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वाटरशेड मैनेजमेंट स्टार्ट करा है प्रोग्राम, जिसका नाम है हरियाली। ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर करा है। इसमें जो रूरल पॉपुलेशन है उसको सिखाया जाएगा कि आप जो है वाटर को कंजर्व करो फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, फिशरीज एंड अफॉरेस्टेशन। और ये जो है ग्राम पंचायत द्वारा लोगों को, ग्राम पंचायत को बोला जाएगा कि अपने अपने गांव के लोगों को ये चीज़ समझाएं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है ऐसे ही सिमिलर प्रोग्राम नीरू मीरू, और अलवर में स्टार्ट हुआ है अर्यवरी पानी संसद। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हरियाली, आंध्र प्रदेश का आपका नीरू मीरू है, और आपका अलवर राजस्थान का है अर्यावरी पानी संसद।
इसके अंदर ये बहुत सारे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, टैंक्स बनाएंगे, जोहड़ बनाएंगे, चेक डैम्स बनाएंगे थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन। और तमिलनाडु इससे भी बेटर काम कर गया। तमिलनाडु में कंपलसरी है हर घर की मेक ऐसी हो जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग होती हो, तो हर घर की जो पाइपलाइन है वो फाइनली एक टैंक के साथ कनेक्टेड होगी नीचे धरती के अंदर जहाँ पे वाटर सेव होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु में इट इज कंपल्सरी टू मेक स्ट्रक्चर, टू मेक हाउसेज विच हैव अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर इन इट। इतना समझ में आया? हरियाली 1 पॉइंट, नीरू मीरू 2nd पॉइंट, हरे भरी पानी प्रशंसा 3rd पॉइंट, तमिलनाडु 4th पॉइंट, 5th पॉइंट आपको सबसे पहले लिखना है वाटरशेड मैनेजमेंट की डेफिनेशन। समझ में आया? फिर आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि जो बारिश का पानी पड़ रहा है हमें उसको भी सेव करना चाहिए। जो पानी अवेलेबल है उसको भी सेव करो, और जो पानी मिल रहा है बारिश के द्वारा उसको भी सेव करो। तो हमारे को रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ मेथड जिसके अंदर आप कैप्चर करते हो रेन वाटर को और उसको स्टोर करते हो फॉर वेरियस यूजेस। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में देखोगे और काफ़ी सारे प्राइवेट स्कूल्स में होता है, जिनके ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं वो खड्डे खोद देते हैं बारिश के टाइम में, कि बारिश का पानी जब पड़ेगा वो खड्डे के अंदर जाएगा, उस ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो रिचार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप ग्राउंड वाटर के एक्वीफर्स, ग्राउंड वाटर में जो पानी है उसके लेवल को बढ़ाने का आप काम करते हो। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है और इको फ्रेंडली टेक्निक इसके लिए यूज़ होता है, ताकि एक एक बूंद बारिश की बचाई जा सके। तो इसमें कुएं वगैरह बनाए जाते हैं और वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर काम करा जाता है कि उसको बढ़ाया जा सके। चेक डैम्स बनाए जाते हैं, वाटर क्वालिटी कम ना हो इसको देखा जाता है, एंड इस वाटर के अंदर किसी तरीके का कोई कंटामिनेशन मिक्स ना हो, फ्लोरीन नाइट्रेट ये सब ना हो, सॉइल इरोजन ना हो, फ्लडिंग वगैरह ये सब चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पार्ट है। फर्स्ट पैराग्राफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वेरी इंपॉर्टेंट। देन आप पेज नंबर 69 पे आएंगे। अगर आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्वेश्चन आया, चाहे वो 3 नंबर का है चाहे वो 5 नंबर का है, 1 नंबर का है तो आपको सीधा 1 मार्कर्स टाइप आंसर देना है, बट अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स या 5 मार्क्स का आ गया तो आपके आगे 4 फोटोग्राफ्स हैं पेज 69 पे, आपको कोई एक फोटोग्राफ बनाना कंपलसरी है, बनानी ही बनानी है एक इमेज। आपको थर्ड इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है या फोर्थ इमेज ज़्यादा बेटर लग रही है, जोन सी भी लग रही है बना लो। ठीक है राधे? तो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग गांव के अंदर जो है बहुत पुराने टाइम से होती जा रही है। पहले लेक होती थी, इरिगेशन टैंक्स होते थे, पॉन्ड्स होते थे, जोहड़ होते थे, बाउली होता था, जैसे अग्रसेन की बाउली है, ये सारे वाटर हार्वेस्टिंग का ही काम करा करते थे। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कुंड और टंका बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को जो कि पानी को सेव करते हैं, एंड बहुत सारे रेन वाटर का आगे यूज करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 70। पेज नंबर 70 आपका बॉक्स है हाईलाइट ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। मिला? पेज 70, हाईलाइट्स ऑफ इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन, देर आर सो मेनी पॉइंट्स इन इट, आपको कोई भी 3 याद करने, ये 3 मार्क्स का ज्यादा का नहीं आएगा। वाटर पॉलिसी जो है हिंदुस्तान की 2002 में आई थी, उसके कोई 3 पॉइंट्स बता दो उसमें क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इरिगेशन एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें वाटर कॉम्पोनेंट, ड्रिंकिंग वाटर कॉम्पोनेंट को बढ़ाया जाएगा। सब इंसान और सब जानवरों के लिए पानी अवेलेबल हो इसकी प्रायोरिटी रहेगी, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर को कम करने की कोशिश करेंगे, सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर की क्वालिटी चेक करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर को जो है एफिशिएंट करेंगे, एफिशिएंट करेंगे, वाटर को बचाना चाहिए ये अवेयरनेस लोगों में फैलाएंगे, एंड लोगों को एजुकेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे और उनको इंसेंटिव देंगे, जो जितना पैसा बचाएगा, जो जितना पानी बचाएगा उसको उतने इंसेंटिव, जो जितना पानी वेस्ट करेगा उसको उतने ही टैक्सेस देने पड़ेंगे। समझ आ गया? ठीक है, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डिस्क्राइब वाटर इज अ रिसोर्स, कि पानी कौन सा रिसोर्स होता है, बायोटिक, एबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल, साइक्लिक। इसका आंसर है साइक्लिक, 1 मार्कर। कौन सी रिवर के अंदर सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर है? गंगा, गंगा के बाद ब्रह्मपुत्र। इंडिया में टोटल कितने क्यूबिक किलोमीटर पानी है?
4,000। कौन सी साउथ इंडियन स्टेट है जो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन को बहुत यूज करते हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, पर वो ग्राउंड वाटर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला गया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पानी किस कार्य हेतु यूज होता है? इरिगेशन, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक, नन ऑफ द अबव। इरिगेशन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस दे दूंगी, और मैं इसके पहले वाले पार्ट की भी आपको वीडियो वगैरह सब कंबाइन करके सारी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है।